हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीता रसोई। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ रावा ढोकला रेसिपी। अगर आप मेरे तरीके से ढोकला बनाएंगे तो यह बहुत स्पंजी बनती है और टेस्टी भी लगती है। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल ढोकला रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स नेम हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। ढोकला बनाने के लिए हम एक कप सूजी लेंगे। मैंने महीन वाला सूजी लिया है। सूजी का ढोकला बहुत ही हेल्दी होता है और टेस्टी भी लगता है। इसमें हम एक कप पानी डालेंगे, आधा कप दही डालेंगे। इसी कप से हमने एक कप सूजी लिया है। आधा कप तेल डालेंगे, आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे, एक छोटा चम्मच चीनी डालेंगे, 1 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे। अगर आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो ढोकला का टेस्ट खट्टा मीठा नमकीन आता है और टेस्टी लगता है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम आधा से 1 घंटे के लिए ढक कर फूलने के लिए छोड़ देंगे। एक घंटे हो गए हैं, सूजी फूल गया है। अब इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे एक ही दिशा में हम अच्छे से फेंट लेंगे। कढ़ाई में हमने 1 से 1.5 लीटर पानी बॉईल होने को रखा है। इसे हम ढककर बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। मैं ढोकले स्टैंड में बना रही हूँ। अगर आपके पास ढोकला स्टैंड ना हो तो आप कढ़ाई में पानी रखकर उसे थाली से ढककर बनाएं। ढोकला स्टैंड में तेल डालकर हम ऐसे चारों तरफ तेल लगा देंगे ताकि ढोकला चिपके नहीं। इसी विधि से आप थाली में भी तेल लगाकर उसमें बैटर डाल सकते हैं। बैटर में 1 छोटा चम्मच इनो डालेंगे और इसे एक ही दिशा में मिला लेंगे। इनो डालने के बाद बैटर में कितना अच्छा बुलबुला आ गया है, यह बहुत ही हल्का हो गया है। इस विधि से ढोकला सुपर स्पंजी बनता है। अब इस बैटर को ढोकला स्टैंड में डालेंगे। इसे हम अच्छे से थपथपा लेंगे। पानी बॉईल हो गया है, इसमें हम ढोकला स्टैंड को डाल देंगे। ढोकला स्टैंड डालकर इसे हम कवर कर देंगे। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ढोकला 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाता है। 10 मिनट हो गया है, इसे हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए चाकू या फोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अभी ढोकला और पकेगा। बैटर चाकू में चिपक रहा है, इसका मतलब ढोकला और पकेगा। इसे और 3 से 4 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। इस बार ढोकला तैयार है। ढोकला का तड़का तैयार करने के लिए एक पैन में 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। 10 से 15 करी पत्ते डालेंगे। 1 छोटा चम्मच राई डालेंगे। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे चटकने देंगे। इसमें हम 1 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे। 1 कप पानी डालेंगे। आप चाहे तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ढोकला का तड़का तैयार है। इस तड़के को हम ढोकला के ऊपर डाल देंगे और इसे ढोकला के चारों तरफ फैला देंगे। इसे इस प्रकार हम चाकू से काट लेंगे। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। गार्निश के लिए इसके ऊपर हम नारियल का बुरादा डालेंगे। हमने सूखा नारियल लिया है जिसे हमने महीन वाले में कद्दूकस कर लिया है। अगर आप इस विधि से रावा ढोकला बनाएंगे तो वह सुपर स्पंजी टेस्टी बनता है। आप सबको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करें। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक्स वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।